हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हियर रूपाल ठाकुर। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट एंड स्टेइंग सेफ। थंबनेल और टाइटल से पता चल ही गया कि आज की वीडियो होने वाली है किस टॉपिक पे, और मैं वीडियो डाल रही हूँ ऑलमोस्ट एक मंथ के बाद। टाइम ना वेस्ट करते हूँ, वीडियो स्टार्ट करते हो। और जो मैंने एक महीने का गैप लिया था, मतलब एक महीने मैंने कुछ वीडियो नहीं अपलोड की, बट मैंने उस टाइम भी कुछ परचेज किया, वो सब आपको शॉर्ट में दिखता रहेगा। तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का बटन है, जल्दी से आगे सब्सक्राइब कर लो। और बहुत कुछ देखने को मिलेगा, और बहुत सस्ता सस्ता मैंने चीजें लिया है, वो सब आपको शॉर्ट्स में दिख जाएगा। मैं लॉन्ग वीडियो बनाना चाहती थी, बट मुझे नहीं लगता कि लॉन्ग वीडियो के लिए अभी एक पास इतना टाइम होगा, तो मैंने शॉर्ट्स बना दिए, तो आप उसमें देख सकते हैं। चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जी, वो प्रोडक्ट इसमें आया, ऐसा कुछ है नहीं कि अनोखा सा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट वही है जो थंबनेल पे दिख रहा है। बस मैंने इसमें रख दिया था क्योंकि मुझे इसमें प्रोवाइड हुआ था जब मैं मार्केट से लेके आई थी। तो ये जो है सोफी का एंटी बैक्टीरिया ओवर नाइट सैनिटरी पैड है, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी लेंथ के साथ मिलता है। प्राइस के अकॉर्डिंग प्राइस इसका 165 रुपीज में। प्राइस सबसे पहले बता दे रही हूँ, इसमें मुझे 10 पैड मिले। जिसकी लेंथ की बात की जाए तो इसकी लेंथ 50 mm, 350 mm अब्सॉर्बिंग करता है स्लीप पीसफुली, मतलब आराम से स्लीप कर सकते हैं। पैकेजिंग की बात करें, काफी क्यूट सी पैकेजिंग है। यहाँ पे थोड़ा सा आसमान रखा है, यहाँ पे एक लड़की सो रही है, यहाँ पे के बारे में थोड़ी सी डिटेल दे रखी है जो हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, बाकी और सब पढ़ लेते हैं। यहाँ पे प्राइस इसका देखा जाए तो 195 रुपीज था, बट डिस्काउंट कर रखा है या स्पेशल ऑफर निकाल रखा है आप ये बोल सकते हैं, जिसमें हमें 165 में 10 पैड मिल रहे हैं, जो की डबल एक्सएल है, जिसकी लेंथ है 350 mm। मैंने ये पैड यूज भी करा है पर्सनली, आप देख सकते हैं खुला हुआ है, मैंने इसको यूज किया, और मैं उसके अकॉर्डिंग भी आपको सब कुछ ठीक से बता पाऊंगी। और बात करते हैं इसके टॉप की साइड में देखेंगे तो इसमें सारा यूज करने का लिखा होगा कि इसको यूज कैसे करना है, उसको डिस्पोज कैसे करना है, यहाँ पे सारा का सारा डिटेल में लिख रखा है। बाय द वे, आप जानते ही होंगे, वरना नहीं जानते तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको उसके लिए अलग से एक शॉर्ट बना कर दूंगी, तो आप उससे आराम से इजीली जान पाएंगे। नीचे की साइड की बात कर लीजिए, यहाँ पे थोड़ी सी डिटेलिंग दे रखी है कि ये कहाँ बना हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग क्या है, सब कुछ, ईमेल आईडी इसकी, सब www.sofi.com एंड एड्रेस, ये सब प्रोवाइड यहाँ पे कर रखा है। नंबर कस्टमर के लिए प्रोवाइड कर रखा है, फीडबैक के लिए सब कुछ यहाँ पे है। अगर इस साइड की बात की जाए, इस साइड कुछ भी नहीं है, और इस साइड की बात की जाए तो यहाँ पे ओपनिंग के वो डॉट्स दे रखे थे जो मैंने ओपन कर दिया है। साथ में यहाँ पे ब्रांडिंग दे रखी है, ओवर नाइट के लिए पैड है ये बता रहा है। अलग भी साइज में ये अवेलेबल है, जिसमें है ये ट्रिपल एक्सएल में, जिसमें इसकी लेंथ होगी 420 mm। अभी मेरे पास जो है ये है डबल एक्सएल में, जिसकी लेंथ है 350 mm। ये दोनों के दोनों पैड रात के लिए बने हुए हैं, पैड यहाँ सारे अंदर है, बहुत अच्छे से पैकेजिंग के साथ। बैक साइड के बारे में बात करने से हमें बहुत कुछ पता चल जाता है, तो और वो रीड भी करना चाहिए जब भी हम सैनिटरी पैड लेने जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ब्रांडिंग कर रहे हैं कि एरिया ओवरनाइट सैनिटरी पैड है, यहाँ पे लिख रखा है एंटी बैक्टीरिया 99.9%। ऑल साइड डिटेल लिख रखी है, लॉन्गर लेंथ विद डीप अब्सॉर्बिंग, काफी इसकी लेंथ दे रखी है, साथ में बहुत अच्छे से अब्सॉर्ब करने वाला है। सैनिटरी पैड है वो 350 mm का, और वो डीप अब्सॉर्बिंग करता है, जिसकी वजह से लीकेज की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, यहाँ पे पूरा का पूरा ये लिख रखा है। दूसरी साइड लिख रखा है वाइड, यहाँ पे गार्ड, मतलब पैंटी के बैक साइड पे ये एक्स्ट्रा कवर देता है, जिससे कोई भी लीकेज की रात में प्रॉब्लम नहीं होती, कि रात को सोते समय हम इधर उधर मूव करते हैं, तो वो सारी लीकेज से बचाने के लिए इसकी लेंथ बड़ी है। इसके हिप में जो है काफी अच्छा सा कवर के लिए, काफी अच्छी लेंथ दे रखी है बैक एक्स्ट्रा कवर के लिए। तो थोड़ा सा बात की जाए, यहाँ पे इसके प्राइस रेंज दे रखा है, जो कि इसमें प्राइस 165 का मुझे सैनिटरी पैड मिला है, जिसमें 10 पीसेस हमें सैनिटरी पैड के मिल रहे हैं। एक पैड है हमें सिर्फ 16 रुपए में मिल रहा है, थोड़ा कॉस्टली की साइड जा सकता है, बट अगर मैं बात करूँ की लेंथ के अकॉर्डिंग काफी अच्छा है, बट मैंने जब पर्सनली इसको यूज किया तो मुझे बस एक डिसअपॉइंटमेंट, मुझे एक नेगेटिव पॉइंट लगा कि इसमें ना थोड़ी सी ऑर्डर की प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने जब यूज किया था मुझे हल्का सा लगा था कि जो स्मेल है वो बाहर की साइड ज्यादा आ रही है, बाकी तो ये बहुत अच्छा है, लेंथ वाइज बहुत अच्छा है। बाकी अब्सॉर्बिंग में आपको मैं दिखा देती हूँ लाइव कि ये कैसा है, तो चलिए चलते हैं। जैसे कि हम पैकेजिंग के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, तो अब जल्दी से हम सैनिटरी पैड की तरफ चलते हैं, जो कि यहाँ से ओपन हो चुका है, मैंने पहले कर लिया था आपको बता चुकी हूँ। देख सकते हैं आप, सैनिटरी पैड काफी अच्छे कवर के साथ आता है पूरा का पूरा। इसको हम यहाँ रख देते हैं और अपना पैड को यहाँ पे लेते हैं और देखते हैं कैसा है। ऑल ओवर साइड से ये बहुत अच्छे से कवर होके आया है, जो कि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, ऐसे कवर होके आने से ना हमें बहुत फायदे होते हैं। ऐसे कवर होके आने से ना हमें दो फायदे होते हैं, एक तो हमारा सैनिटरी पैड जो होता है ना बहुत ज्यादा सेफ होता है, काफी हाइजीन पर्पज से भी, एंड सेकेंड जब हम सैनिटरी पैड दूसरा यूज करके फेंकना होता है, थ्रो करना होता है, तब इसका जो ये बाहर का रैपर है ये बहुत यूज आता है उसको रोल करने में, उसको कवर करने में, थ्रो करने के लिए। और आपको अगर बैकग्राउंड साउंड आ रहा होगा तो प्लीज थोड़ा सा बेयर कर लेना, क्योंकि वो हमारे यहाँ गणपति जी बाबा रखे हुए हैं, कीर्तन चल रहा है। तो यहाँ से मैंने इसको ओपन कर दिया है, देख सकते हैं लेंथ काफी बड़ी है, और इसके पीछे भी यहाँ पे ग्लू दे रखा है,
क्वांटिटी में तो ग्लू है, बट ग्लू की जो मैं बात करूँ चिपकने का, वो काफी कम लग रहा है मुझे एज कम्पेयर टू मैंने अदर भी किए, काफी टाइटली चिपक जाते हैं, बट इसका थोड़ा सा कम लगा मुझे। तो ये आप देख सकते हैं मैंने नीचे लगा दिए, ये सारा का सारा जो है हमारा हिप कवर के लिए दे रखा है, और दो तरफ से इसके विंग्स थे, यहाँ पे भी बहुत अच्छे से चिपक चुका है और यहाँ से भी विंग्स है तो ये भी चिपक चुका है। तो अभी मैं इसके अगर आपको बात करूँ डेप्थ की, इसमें काफ़ी अच्छी डेप्थ दे रखी है, आप देख सकते हैं पूरा का पूरा कितने गहरे गहरे डॉट्स दे रखे हैं यहाँ पे पूरे में, आराम से आप देख सकते हैं सब। और अगर इसकी थिकनेस की बात की जाए तो काफ़ी अच्छा पतला थिकनेस है इसकी, काफ़ी स्लिम है तो आपको लगा के ज़्यादा फील तो नहीं होगा। तो इसके थोड़ा सा टेपिंग का मुझे बस प्रॉब्लम लग रहा है, जो इसके विंग्स है ना उस पर जो ग्लू लगा हुआ है उसका प्रॉब्लम लग रहा है, बाकी ऑल ओवर सही है। अब जल्दी से करते हैं हम ब्लड टेस्ट, थोड़ा सा आर्टिफिशियल ब्लड बनाया हुआ है, जल्दी से इसमें ड्रिप करते हैं और देखते हैं कितना जल्दी अब्सॉर्ब करता है। 1 स्पून ओके, काफ़ी क्विकली इसने अब्सॉर्ब किया है। 2 स्पून बहुत ही क्विकली, 3 स्पून एंड 4 स्पून, ऑलमोस्ट 4 स्पून तो मैंने एक ही जगह पे डाल दिया, बट अब्सॉर्बिंग अगर आप देखें तो काफी क्विकली अब्सॉर्ब किया हुआ है। अब जल्दी जल्दी मैं उसी जगह पे और स्पून डालती हूँ, वैसे हमारा ब्लड जो होता है इतना पतला नहीं होता और इतना ज्यादा फ्लो में भी नहीं आता है एक ही बार में, बट हाँ मैंने टेस्ट के लिए कितना इसका है वो देखते हैं। काफी ज्यादा क्वांटिटी डाल दिया है बट तब भी आप देख सकते हैं काफी अच्छे से अब्सॉर्ब कर रहा है, देखने में काफी ज्यादा ड्राई दिख रही है, हाथ मार के देखते हैं टॉप सीट रियल में काफी ज्यादा ड्राई है। इसके बैक में डालते हैं 1, 2, 3, तो मैंने यहाँ से 3 चम्मच डाल दिए हैं और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं काफी क्विकली इसने अब्सॉर्ब कर लिया है। तो अब इसके विंग्स पे देखते हैं विंग्स पे अब्सॉर्ब करता है या नहीं, तो थोड़ा सा विंग्स पे इधर डाला है, थोड़ा सा ही विंग्स पे इधर डाला है और अब्सॉर्ब बिल्कुल नहीं कर रहा है, वैसे का वैसा है पानी, बट बाकी अगर मैं बात करूँ काफी अच्छे से अब्सॉर्ब कर लिया और प्रेसिंग में कुछ निकल तो नहीं रहा है, जैसे आप देख सकते हैं मैं काफी अच्छे प्रेशर से इसको प्रेस कर रही हूँ बट कुछ निकल नहीं रहा है, पर विंग्स पे आप देख सकते हैं बिल्कुल अब्सॉर्ब नहीं किया हुआ है। अवर हिप के लिए गार्ड दिया हुआ है, ये कुछ अब्सॉर्ब तो नहीं करेगा, बट इस पे लग के शायद से ऐसे जाए तब ये कुछ अब्सॉर्ब कर ले, पर तब भी अब्सॉर्ब नहीं कर रहा है, सीधा इस पे जा रहा है तब अब्सॉर्ब होगा, वरना यहाँ पे कोई अब्सॉर्बिंग नहीं है, बस गार्ड दे दिए हैं कि ये पेंटी पे ब्लड नहीं लगने देंगे, बट आपकी स्किन पे लग के इस पे बार बार लगती है। लेंथ में काफी अच्छा है ये, 350 mm इसकी लेंथ है, अब्सॉर्बिंग में भी काफी क्विक अब्सॉर्ब कर रहा है, बस विंग्स अब्सॉर्ब नहीं कर रहे हैं, लेंथ अच्छी है, थोड़ा सा फ्रेग्रेंस की इसकी प्रॉब्लम है कि ये बैट ऑर्डर को अब्सॉर्ब नहीं करता, लॉक नहीं करता, थोड़ा सा स्मेल बाहर आता है, बाकी ऑल ओवर ये बहुत। मैं इतना दम लगा के प्रेस कर रही हूँ, हल्का सा यहाँ पे आया है बट वैसे कुछ भी नहीं निकल रहा है, देख सकते हैं काफी अच्छा है, कुछ भी इसमें से निकल नहीं रहा है, तो पैट तो ऐसे ऑल ओवर काफी अच्छा है। और मैं इंटरनली भी आपको दिखा दूं कि ये जेल फॉर्म है या कॉटन फॉर्म है, तो आप देख सकते हैं, आपको पहले ही बताया था जो इस फॉर्म में होता है जेल फॉर्म में होता है, ये जेल पार्टिकल्स होते हैं ये अब्सॉर्ब करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए मुझे जरूर बताइएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप बाय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू।